हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सिलेबस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। 25 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो बात करते हैं यहाँ पर कि आप सिलेबस किस तरीके से निकाल सकते हैं। इंग्लिश का सिलेबस हमने आपको बता दिया था, अब इस वीडियो में हम आपको हिंदी और अदर लैंग्वेजेस जो हैं उनका भी सिलेबस बता देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या प्रोसेस है सिलेबस को निकालने का, ये हम बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आपको इस पेज पर विज़िट करना होगा। तो ये विज़िट करने के लिए ये पेज की हम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आप यहाँ पर आएंगे जब इस पर, तो आपको यहाँ पर 3 डॉट्स वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन करी थी, आपने एग्ज़ाम पर क्लिक किया था, बट आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर नहीं क्लिक करना है, आपको यहाँ इंफॉर्मेशन पर भी नहीं करना है, आपको करना है इस पर, यानी रेफरेंस मटेरियल पर आपको क्लिक करना है। रेफरेंस मटेरियल पर आपको क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जो कि पेज सिर्फ आपकी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है। और यहाँ पर आपको 12 लैंग्वेजेस, यानी यहाँ पर जो जो लैंग्वेज आपने एग्ज़ाम के मीडियम के लिए चूज़ करी है, वही आपको यहाँ पर मिलेंगी। और बात करते हैं, हमारे पास जो ऑप्शन यानी कमेंट आया था वो मराठी और हिंदी, गुजराती और हिंदी से रिलेटेड आया था। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको जिस तरीके से यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश की हमने बात करी थी, तो आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर उसका सामने ही ये मिल जाएगा सिलेबस। इंग्लिश का हमने आपको दिखा भी दिया था, हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में आपको यहाँ क्लिक करना है और आप ये देख सकते हैं देशी और विदेशी गाय के बीच में अंतर के बारे में आपको यहाँ पे बताया जाएगा, और चारा और गोचर भूमि के बारे में आपको बताया जाएगा, भारतीय गोवंश के बारे में आपको बताया जाएगा, पंचगव्य, कामधेनु गाय और शास्त्रों में श्लोक। देखिए, ये सब आपको जो है डिटेल्स के साथ सब कुछ समझाया जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पेज ओपन हो जाएगा। अदर लैंग्वेजेस जो है गुजराती, मराठी, ये अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, बट एक लैंग्वेज ऐसी है जिसका अभी तक नहीं आया है, वहाँ कमिंग सून लिखा आ रहा है, जल्द आ जाएगा, यानी बंगाली जो है बंगाली की लैंग्वेज का नहीं आया है, बुक्स आर्टिकल कमिंग सून लिखा है, तो यहाँ पर बुक्स और आर्टिकल जल्द ही आ जाएंगे। बात करते हैं हिंदी की, तो आप यहाँ पर विदेश यानी देशी और विदेशी गाय के बीच अंतर पर क्लिक करेंगे और ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये ओपन ये वाला कर लेते हैं चार, ये देखिए ये ओपन होएगा जब, तो आप यहाँ देख सकते हैं, अभी आएगा जरा एक सेकेंड, ये देख सकते हैं आप देशी और स्वदेशी जो है, रीलोड करना पड़ेगा इसको। चलिए हम आपको ये दिखा देते हैं चारा और गोचर भूमि, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी इसलिए वो ऑन नहीं हो रहा है, तो बट आपके फ़ोन में वो और आपके कंप्यूटर में वो ऑन हो सकता है इजीली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भी बताए गए हैं, ये देख सकते हैं चारा और गोचर भूमि, इसके बारे में डिटेल्स के साथ सब कुछ समझाया गया है, बड़ा अच्छा है। और आप ये देख सकते हैं, इंटरेस्टेड लग रहा है और ये देखने में बड़ा इंटरेस्टेड लग रहा है, क्योंकि सब कुछ समझ आ जाएगा, बहुत इजी चीज़ है, बट आपको कुछ याद नहीं करना है, सब आपको समझना है डिटेल्स के साथ। जब आप सब कुछ समझ लेंगे ना, तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम आपके नॉलेज के लिए है, ना कि यहाँ पर ये रट्टा मारने के लिए है, कोई स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। तो आप यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन जो है नॉलेज के साथ, यानी अच्छे से इसको समझ के कीजिए, इंटरेस्ट के साथ इसको आप समझेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा। तो कुछ इस तरीके से ये जो है ये उन हो जाएगा। और बात करते हैं आप अदर लैंग्वेजेस जो हैं उनके लिए भी यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, और आपको अदरवाइज़ ये डाउनलोड करने हैं, डायरेक्ट ही यहाँ से डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक्स हैं, ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यहाँ आप खुद परचेस करना चाहते हैं बुक्स, तो हमने आपको पहले भी बताया था
कि आप ये बुक नेम जो है यहाँ से चेक करके आप बुक को खुद भी मंगा सकते हैं। आप स्टेशनरी शॉप पर जा सकते हैं और जहाँ पे आपको बुक मिलती हो वहाँ पर आप जाइए और बुक परचेज कर सकते हैं, उसकी नॉलेज आप ले सकते हैं। और अदरवाइज़ आप कंप्यूटर या मोबाइल से ही आप अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर मोबाइल और कंप्यूटर की हेल्प से भी आप यहाँ पर लिंक के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन होकर यानी उस पेज पर विजिट कर आप ये जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आपको ये सब समझ आ गया होगा। और अभी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करना है और कमेंट करना, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी कई स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम थे, उनकी हम जो है प्रिपरेशन करा रहे थे एमए और बीए के, तो इसलिए हमें टाइम नहीं मिला है। और अदरवाइज़ आपको ऐसा कोई बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और कोई कमेंट जो है लेट हमने रिस्पॉन्स दिया हो उसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ और भी इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशंस जो है वो शेयर करेंगे। और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम आपका हमेशा सपोर्ट और रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। और अभी तक के लिए धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाइए जिन स्टूडेंट को अभी रजिस्ट्रेशन भी करने के बारे में नहीं पता है। जब वो यही वीडियो देखेंगे तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के बारे में भी हमारी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू उन्हें नॉलेज क्रिएट हो जाएगी। तो अभी तक हम चलते हैं, देखिए ये वीडियो शेयर कर दीजिए उन स्टूडेंट्स को जो अभी जानकारी नहीं पा पाए हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड बाय बाय, टेक केयर।